राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी घर पे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अभी जा रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है 7:30 और हम जा रहे हैं मॉल, क्योंकि हमें वनित को ड्रेस दिलानी है बर्थडे की, जो कि हम कल नहीं दिला पाए थे क्योंकि बारिश तेज आ गई थी। तो सुबह उनकी क्लास रहती है, फिर दोपहर में नहीं जाना हो पाता है, इसलिए हम शाम को जा रहे हैं। तो चलते हैं उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करें उसके बर्थडे के लिए। चलो, हम आ चुके हैं विशाल वर्णित की शॉपिंग करने के लिए। कलेक्शन बहुत प्यारा है, अभी दिखाएंगे हम आपको। लेने तो वर्णित किया है ना, क्यों? देखो, चलो हाथ ले लो, बहुत कुछ ले लो पंडित आपका। दिखाई ये रहा कलेक्शन, ये रहा कलेक्शन पंडित का। आपके अच्छा नहीं लग रहा पंडित, पिछली बार आए थे तो बहुत अच्छा था। आप मत छोड़ो बेटा, नहीं आई और ये देखिए कलेक्शन हमारा जो विशाल में अच्छा था, लड़कों का और बॉयज़ का, बड़ों का, वर्णित का नहीं था। ये आप देखिए फुल स्लीव की ड्रेस अभी से आ गई है, टी शर्ट वगैरह। तो सारा जो शॉर्ट्स का कलेक्शन था वो नीचे टांग रखा था इन्होंने हैंकर के, और ये फुल स्लीव्स आ गई थी, जबकि अभी मौसम भी नहीं है ऐसा। तो मुझे दिक्कत हो रही थी उस कपड़ा चूज़ करने में, क्योंकि सारा नीचे टंगा था शॉर्ट्स में, और जैसा हम 1 महीने पहले गए थे तब हमें अच्छा लगा, उस टाइप से नहीं था। पहले बहुत अच्छा था, तो मैं यही देख रही थी और मुझे पसंद नहीं आ रहा था, डेली वियर का आइटम ज़्यादा लग रहा था। हाँ, ये बेटर है। और मनु सही लग रहा है, और देखो कलर कोई मिल जाएगा। न्यूयॉर्क मिल गया इसको तो भाई। देखा ना, ये अच्छा नहीं लग रहा मनु वाला। छोटा कैसा है? देखो ट्राई कर, यार ये तो पैक है, निकल के साथ ही ट्राई होगा। और ये एक आंटी थी, मतलब दादी, जो कि अपने पोते के लिए शर्ट देख रही थी, जो कह रही थी कि आर्मिश के साइज़ का है। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ आ जाएगा, आप ट्राई कर लीजिए, आ जाएगा। तो वो उसको लगा के देख रही थी, चेक कर रही थी। इधर हम वर्णित को ड्रेस पहना के देख रहे थे कि आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट्स इसका अटैच था तो हम नहीं निकाल पाए, तो उसके साथ ही हमने उसको पहनाया। और ये देखो इसकी, और थिकर की वजह से उसे अनकम्फर्टेबल लग रहा था। फिर ये मिरर में देखने गया खुद को, तो हमें ये एक साइज़ छोटा लगा, हमें लगा कि इससे एक बड़ा साइज़ मिल जाए। तो देखा, फिर बहुत ढूंढा हमने, साइज़ मिल गया। मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो रहा है ये, देखेंगे ट्राई करके। ये है नहीं तो उसको बेकार हो रहा था, हटाओ ना उसको। दोनों ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। बोले ग्रीन कलर में बड़ा साइज़ नहीं मिला? नहीं। चलो, ये 2-3 पीस हमने निकाले थे और हमने ट्राई किया तो नहीं समझ में आया। एक तो इनका ये निकर अटैच हो रहा था शॉर्ट सारे में, तो ये हम नहीं खिल रहा था उसके ऊपर, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही थी ड्रेसेस, और वर्णु को भी नहीं पसंद आई। यहाँ हम फिर नीचे आ गए अपना, और यहाँ लेडीज़ कॉर्नर था सारा, शॉर्ट्स, कुर्तियाँ, और कलेक्शन प्यारा था सारा। ये देखिए आप, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, पर कॉस्टली थी, ठीक थी, मतलब डेली वियर कह सकते हैं, आगे थी थोड़ा अच्छा। ये देखिए अंगरखा स्टाइल में था, मतलब लुक तो अच्छा लग रहा था, बट इसका जो पैटर्न था अच्छा था, पर इसका कपड़ा अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। तो बस मैं ऐसी देख रही थी कि वैसे तो अच्छा है लेकिन इसका कपड़ा बेकार है। और कलेक्शन सारा ये लेडीज़ कॉर्नर था सारा नीचे, और अच्छा था। देखिए आप कितने प्यारे प्यारे थे। और ये वर्णु मुझे यहाँ चश्मा लेने के लिए ज़िद कर रहा था, मैंने कहा नहीं। और ये सारा मतलब
लेडीज कॉर्नर में आप देख सकते हैं वैरायटी इतनी है, टी शर्ट्स, टॉप, सूट, शॉर्ट्स, लॉन्ग ड्रेसेस, आपका यहाँ पर्स भी था, लड़कियों का भी था, सब था। अच्छा कलेक्शन था, पर मुझे कुछ पसंद आ जाए इस टाइप का नहीं था, और ना ही मुझे अपने लिए कुछ लेना था। लोअर वगैरह, प्लाजो, सब तरह की वैरायटियाँ थी यहाँ विशाल। फिर हम गए वहाँ, कुछ पसंद नहीं आया तो रिलायंस का ट्रेंड्स, और इधर भी देखा चलो इधर ट्राई करते हैं कैसा है, क्योंकि एक बार हमने आरविश और वर्णित के लिए थे, थोड़ा कॉस्टली है पर कपड़ा अच्छा निकलता है। वही उन्हें बता लो, 200-300 रुपये वाला जो लेती है मैं, ये है जो दुकान वाले वैसे फ्री दे देते हैं। ऐसे लग रहा है शोरूम हमारे लिए खुला है केवल, देखना पूरे ही खाली पड़ा है। ये स्पाइडर ही पसंद आता है या वैसे स्पाइडर ही पहनेगा क्या? अभी कलर वाली लुक डिफरेंट लग रहा है ना। और यहाँ ये टी शर्ट और शर्ट वाला था, पर वन्नू पहनता नहीं, वन्नू को ये रेड कलर में पसंद आई, और हम जो है उसको जो चीज़ पसंद आती है ले लेते हैं, क्योंकि स्पाइडर उसको पसंद है, बिना मन के वो कपड़े नहीं पहन सकता, अगर उसका मन नहीं है तो आप ज़बरदस्ती नहीं पहना सकते उसे, तो इसलिए उसकी पसंद भी शामिल करनी पड़ती है हमें। और ये ड्रेस देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, पहनने में मतलब वीडियो में बहुत अच्छी लग रही है, रियल में नहीं थी ये, लाइट में चमक रही थी, इसके आगे लाइट थी तो बहुत मुझे पसंद भी आ रही थी, बट वैसे फीकी लग रही थी। तो हमने बस कलेक्शन बहुत अच्छा था कह सकते हैं, पर बच्चों का नहीं था अच्छा, बड़ों का तो ठीक था, फिर भी बच्चों का इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, आप देख सकते हो बड़ों का तो काफ़ी वैरायटियाँ थी जेंट्स में। फिर हम दोनों टी शर्ट ली और फिर हम आ गए नीचे काउंटर पर जहाँ बिलिंग वगैरह होती है। ये काउंटर नए बना दिए देखो यहाँ पे वाला, स्मार्ट वॉच है देखो, ये काउंटर बना दिए। और ये देखिए हमें रास्ते में कावड़ यात्रा मिली, जो कि बहुत डीजे वीजे के साथ, और देखिए आप कितना भारी भरकम जल लेके जा रहे थे ये बोले, और चल रहा है सावन का महीना तो कावड़ यात्रा तो मिली जाती है, डीजे के साथ थी। हम आ चुके हैं वापस घर अपना शॉपिंग करके, और तो हमने लिए वर्णित के लिए दो टी शर्ट लिए हैं, और जो हमें समझ में नहीं आई थी फिर विशाल से, तो फिर दूसरे मॉल में ट्रेड्स में गए उसमें से ली हैं हमने, बट फिर भी हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, तो काम चलाऊ हमने ले ली, क्योंकि पता नहीं क्यों अभी इतनी जल्दी फुल स्लीव्स का सीज़न आ गया, उन्होंने फुल स्लीव्स का सारा लगा रखा था, तो बस ये दो टी शर्ट लिए हैं हमने उसके बर्थडे पर पहनने के लिए। तो वर्णित को पसंद आ गई रेड कलर, एक तो रेड कलर में है और एक जो स्पाइडर इसकी ऑलवेज फेवरेट, तो ये दो टी शर्ट लिए हमने और वर्णित के लिए नहीं वो नहीं ली। फिर और हम घर आ गए हैं अब आपको, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय।